तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपसे बात करूंगी बनस्थली के प्लेसमेंट्स के बारे में मेनली। तो यहाँ का जो मैं बताऊँ टेक्निकल फील्ड में जो बीटेक है वहाँ का प्लेसमेंट तो काफ़ी अच्छा है। TCS वगैरह फ्लिपकार्ट वगैरह मैंने सुना है, जो हमारे मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं बीटेक में तो उन लोगों से सुना है कि अच्छा ही प्लेसमेंट है। तो जैसे कि मैं BCA से हूँ तो BCA में भी 3-4 कंपनियाँ आई हैं, तो यहाँ का भी ऑन एन एवरेज ठीक ठाक है प्लेसमेंट। मैं BCA का तो बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि BCA के बाद आपको कंपलसरी है कि MCA करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत ही अच्छे पैकेज की। तो जैसे कि हमारे अभी आई थी जो कंपनीज आई थी, डिलॉयट आई थी, विप्रो आई थी एंड TCS भी आई थी, एंड अभी क्लाउड सेल्स का कुछ चल रहा है तो उसका भी ऑन प्रोसीजर में है। तो मैंने तो डिलॉयट का दिया था मेनली, एंड विप्रो का क्योंकि विप्रो का वो बॉन्ड साइन कर रहे थे तो इस कारण से मैंने विप्रो का भरा नहीं था, एंड TCS का भी मैंने भरा नहीं था क्योंकि मेरे प्लान्स कुछ अलग हैं। तो इसलिए मैंने अभी प्लेसमेंट्स ली नहीं, इसलिए बस डिलॉयट में मैंने बैठी थी। तो उसका डिलॉयट का था एप्टीट्यूड थोड़ा सा, तो अगर आप शुरू से ही एप्टीट्यूड की अच्छी तरह प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो तो आपका हो जाएगा। एंड डिलॉयट की मैं पैकेज की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज था अबाउट 4 लाख का था, एंड बाकी अदर कंपनीज में सिर्फ विप्रो थी तो वो 5 साल का बॉन्ड साइन करवा रही थी तो और वो अपना M.Tech करवाएगी उसने बोला था, तो ऐसा कुछ है बॉन्ड साइन के। एंड TCS का भी कुछ अबाउट ऐसे ही था, 3 point something उसका पैकेज था। एंड अभी क्लाउड सेल्स की आई है कंपनी तो उसका तो काफ़ी अच्छा पैकेज है, उसका अबाउट 6.93 था पैकेज अबाउट, तो उसका तो अच्छा है। एंड मैं अगर आप BCA के बाद मैं फिर से यही कहूँगी, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बहुत अच्छे पैकेज की तो ऐसा नहीं होगा, बनस्थली में भी नहीं है इतना अच्छा पैकेज BCA के बाद, क्योंकि आपको BCA के बाद MCA कंपलसरी है करना। और BTech की बात करूँ आप BTech यहाँ से कर सकते हो, BTech यहाँ का अच्छा है, यहाँ का प्लेसमेंट अच्छा है। एंड अदर कोर्सेज़ की मैं बात करूँ जैसे कि BSc हो गया, तो BSc के बाद इतना अच्छा है नहीं यहाँ पे पैकेज, मैंने जितना अपने फ्रेंड्स लोगों से सुना है, क्योंकि BSc के बाद भी आपको MSc करना पड़ेगा, है ना। तो थैंक यू।